नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अमन चोपड़ा हाजिर हो। अमन चोपड़ा के लिए आखिरी अल्टीमेटम मिल गया है। अमन चोपड़ा को हाजिर होना पड़ेगा, वरना उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और लंबा समय जो है वो अमन चोपड़ा के पास में नहीं है। अमन चोपड़ा को लगातार पुलिस ढूंढ रही है और पुलिस ढूंढते ढूंढते अमन चोपड़ा के दफ्तर में पहुंच गई। नोएडा के अंदर जो है वो पुलिस पहुंच गई है और अमन चोपड़ा के पास में अब महज 24 घंटे का समय है। महज 24 घंटे के अंदर अंदर अमन चोपड़ा को अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी, राजस्थान में पहुंचना पड़ेगा थाने के अंदर, नहीं तो अमन चोपड़ा भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल अमन चोपड़ा क्या कर रहा है? फिलहाल अमन चोपड़ा का स्टेटस नहीं पता है, यानी लापता है। अब देखिए, मैं पूरी खबर आपके सामने रखता हूं और न्यूज लॉन्ड्री ने इसके ऊपर जो है बड़ी शानदार खबर की है। न्यूज लॉन्ड्री खबर आप देखिए, न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा की मुसीबत बढ़ी। राजस्थान के बूंदी और डूंगरपुर जिले में उनके खिलाफ FIR दर्ज। FIR के बाद अब राजस्थान पुलिस उन्हें नोएडा दिल्ली में ढूंढ रही है। तो एंकर साहब जो कहते थे झुकेगा नहीं, देश नहीं झुकने वाले, उनके तेवर ये रहते थे कि इस तरह से पुष्पा स्टाइल झुकेगा नहीं, अब वो साहब जो है वो मारे मारे ना जाने कहां कहां पर फिर रहे हैं। और 5 मई तक का ये देखिए, आप आगे देखिए, राजस्थान पुलिस न्यूज 18 इंडिया के दफ्तर पहुंची। 5 मई तक अमन चोपड़ा पेश हो। आज 4 मई है, 5 मई कल है, कल तक का समय जो है 24 घंटे का समय उनके पास में है। अगर वो हाजिरी नहीं दे पाए, हाजिर नहीं हो पाए, तो अब उसके बाद में भगोड़ा घोषित जो है उनको कर दिया जाएगा। देखिए आप आगे खबर देखिए, न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा की मुसीबतें बढ़ गई है। राजस्थान के बूंदी और डूंगरपुर में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। राजस्थान की पुलिस जो है उनको नोएडा और दिल्ली में तलाश कर रही है। राजस्थान पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में, एक तो नहीं कई जिलों की पुलिस अमन चोपड़ा को ढूंढ रही है। पुलिस की एक टीम अमन चोपड़ा की खोज करते हुए 1 मई को उनके नोएडा दफ्तर में भी गई, लेकिन वो नहीं मिले। हमने पाया कि 2 और 3 मई को भी अमन चोपड़ा अपना शो देश नहीं झुकने देंगे कि एंकरिंग नहीं कर रहे हैं। साहब एंकरिंग नहीं कर रहे हैं, और जो शो किया था, एक बार जरा मैं बता दूंगा आगे आपको, वैसे आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं आगे बता दूंगा क्या शो था और किस लिए सब बवाल हुआ है, क्यों है अमन चोपड़ा गायब है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब 2 दिन से वो शो भी नहीं कर रहे, पहले भी कई दिन नहीं किया था, फिर दो आए एक बार, फिर अब 2 दिन से फिर शो नहीं कर रहे हैं। 2 मई को अमन चोपड़ा की जगह पर लाउडस्पीकर विवाद पर रीमा प्रसाद ने शो किया था, और मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनमार्क के दौरे को लेकर के प्रीति रघुनंदन ने जो है वो शो किया है। अब देखिए अमन चोपड़ा के खिलाफ आगे देखिए खबर में, आप चोपड़ा के खिलाफ सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ाने, साजिश रचने और दंगे भड़काने के अलावा देशद्रोह में साफ गायब है, लापता ऐसे नहीं है, देशद्रोह की धारा लगी हुई है। देशद्रोह की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई है। एक केस बूंदी जिले के सदर बूंदी थाने में दर्ज किया गया है। वहीं IPC की धारा 153A, 295, 295A और 120B लगाई गई है। वहीं दूसरी FIR डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाने में दर्ज हुई है, जहां 153A, 295A, 124A और 67 धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। तो ये जो है देशद्रोह के केस में अमन चोपड़ा लापता, ताजा स्टेटस ये है। अब देखिए जो पुलिस ने जो कहा है वो मैं आपको बताता हूं। ये न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से जो है बात की गई है। न्यूज लॉन्ड्री ने बिछवाड़ा थाने में दर्ज केस में कोतवाली थाने में जो है वो ट्रांसफर करवा दिया है। डूंगरपुर कोतवाली के SHO दलीप दान ने जो है वो न्यूज लॉन्ड्री को बताते हैं कि हमारी 5-6 टीमें राजस्थान से दिल्ली नोएडा गई थी, मैं खुद भी उनके साथ में था। हम अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने के लिए नोएडा स्थित उनके दफ्तर पहुंचे थे। गिरफ्तारी के लिए जो है वो कई टीमें निकली हुई हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिले। हम उनके दफ्तर में CPC की धारा 91 का एक नोटिस देकर के आए, जिसके जवाब के लिए 5 मई तक का समय दिया गया है। अगर वह 5 मई तक अपना जवाब नहीं दाखिल कर सके तो उनके खिलाफ CRPC की धारा 93 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो अमन चोपड़ा के पास अब महज 24 घंटे का समय बचा है। अमन चोपड़ा ने 22 तारीख को, अब जिनको नहीं मालूम कि क्या ये पूरा बवाल है, वो उनके लिए पूरी कहानी रखता हूं मैं। अमन चोपड़ा ने 22 अप्रैल को अपने शो देश नहीं झुकने देंगे, राजस्थान में अलवर में अतिक्रमण की कार्रवाई को दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई का बदला बताया था। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला, उसको अमन चोपड़ा ने अपने शो में बाकायदा आंकड़ों के साथ में तारीखें लिख लिख करके बताया था
कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला है, कांग्रेस की सरकार हिंदू मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलवा करके बदला ले रही है। ये दिखाया गया था कि देखिए मुसलमानों पर बुलडोजर चला तो हिंदुओं के मंदिर पर बुलडोजर चला करके उसका बदला लिया जा रहा है। ये जो है पूरा मसला था। अब इसमें देखिए आप, जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला, ये टैगलाइन वो बार बार दोहरा रहे थे, दर्शकों को बता रहे थे कि जहांगीरपुरी में जो अवैध निर्माण पर अतिक्रमण को हटाया गया है उसके बदले में कांग्रेस की सरकार ने अलवर में 300 साल का मंदिर तोड़ दिया है। शो के दौरान वह कहते हैं कि इत्तफाक नहीं है कि दो दिन पहले जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला है, राजस्थान के अलवर के में तीन मंदिर तोड़ दिए गए। हमने एक 300 साल पुराना मंदिर, इनमें से एक 300 साल पुराना मंदिर था, अब कोई है इत्तफाक है या कुछ कनेक्शन है, ये जहांगीरपुरी का बदला है क्या? 20 अप्रैल को मस्जिद के गेट पर बुलडोजर और दो दिन बाद में 22 अप्रैल को बुलडोजर, इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? ये प्रयोग था। तो ये इनका शो है। शो आप देखिए, अमन चोपड़ा का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, जहांगीरपुरी में बुलडोजर का दंड, अलवर में शिवलिंग खंड खंड। और इन्होंने कहा था अपने शोक में कि शिवलिंग जो है उसको ड्रिल से काटा गया, ड्रिल मशीन से, जबकि डीएम साहब ने, अलवर के डीएम ने कहा था, वो बाइट हमने तब आपको दिखाई थी, अलवर के डीएम ने कहा कि बोर्ड ने, और जिस बोर्ड के अंदर 35 में से 32 जो सदस्य थे वो बीजेपी के थे, और बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया, और प्रस्ताव के बाद में मंदिर को तो वहां पर बुलडोजर चलाया गया, और मंदिर में बुलडोजर चलाने से पहले मूर्तियों को निकाल करके कायदे से उनको विस्थापित किया गया था। लेकिन ये साहब क्या कह रहे थे? ये साहब कह रहे थे कि शिवलिंग के ऊपर ड्रिल मशीन चलाई गई, हनुमान जी की, शिव जी की ये मूर्तियां तोड़ दी गई, ये सारी बातें जो है बताई गई थी। अब देखिए आप इसमें आगे, शो पर सवाल उठने के बाद में इसके यूट्यूब पर मौजूद वीडियो को भी प्राइवेट कर दिया गया है। अमन चोपड़ा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। अमन ने पूरी तरह से गलत जानकारी शो के जरिए फैलाई। सच यह है कि अलवर में अतिक्रमण ढाने की कार्रवाई 17 अप्रैल को की गई थी, जिसमें एक मंदिर भी तोड़ा गया था। यह कार्रवाई जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट तोड़ने से 3 दिन पहले हुई थी। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण की कार्रवाई 20 अप्रैल को हुई, इसके बावजूद अमन चोपड़ा ने इसे बदला बताया और 22 अप्रैल की घटना बताई। अब आप बताइए, ये सीधे सीधे जो है एक चैनल भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा था तो क्या था? इतना बड़ा चैनल, जिस जो चैनल दावा करता है कि उसके जिले जिले में रिपोर्टर है, और अलवर तो एक बहुत बड़ा शहर है राजस्थान का, जाहिर तौर पर वहां पर तो कई सारे रिपोर्टर होंगे, तो किसी से जो है इस बात की तहकीकात नहीं की गई कि वहां पर एक्चुअली हुआ क्या है। पूरा शो चला दिया। इन्होंने कहा कि 20 तारीख को यहां पर दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला और 22 तारीख को कांग्रेस ने वहां पर बुलडोजर चलवा दिया, जबकि सच्चाई यह है कि वहां पर जो बुलडोजर चला वो 3 दिन पहले 17 तारीख को बुलडोजर चला। लेकिन किस तरह से जो है वो चीजें फैलाई गई, और अब उसका नतीजा जो है वो धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। सवाल ये उठता है कि अब 5 तारीख कल का जो इसका अल्टीमेट है, तो अमन चोपड़ा वहां पर हाजिर होगा, कोई अपना जवाब दाखिल करेगा, या अमन चोपड़ा को कल कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार, अलवर की पुलिस वहां पर भगोड़ा घोषित कर देगी? सवाल ये है, क्या इसके ऊपर वाकई जो है वो कार्रवाई होगी? और ये देखिए, खुद जो है वो अमन चोपड़ा इस बात को मानता है, शो का इसका देखिए आप, डिजिटल दंगेबाज यूएपीए इलाज, ये खुद इस बात को कह रहा है, खुद इस बात को मानता है। जब ये इसने ये शो तब किया था जब असम के अंदर असम की पुलिस ने एक लाइन लिखने के लिए, क्या लाइन लिखी थी? असम इज बर्निंग। केवल ये लाइन लिखी थी कि असम जल रहा है। किसी ने ये नहीं लिखा था कि बुलडोजर उसके बाद चला है। बुलडोजर 3 दिन पहले चल गया, बाद में ये कह रहे सरासर झूठ कि 2 दिन बाद बुलडोजर चला, इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी बात किसी ने नहीं कही थी। केवल कहा था कि असम के अंदर दंगे हो रहे हैं और असम जल रहा है, और कई सारी दुकानें, कई सारे घर जो है फूके गए थे, जलाए गए थे, कई सारे जो वाहनों में आग लगाई गई थी, तो लोगों ने लिख दिया असम में बर्निंग, और उसी को लेकर के 91 लोगों के ऊपर यूएपीए लगा दिया था असम की पुलिस ने। तब ये परोपकारी कर रहे थे, तब कह रहे थे कि यूएपीए इलाज है इन डिजिटल दंगेबाज का। अब क्या कहेंगे? अब साफ सामने ही नहीं आ रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि होता क्या है 5 मई को, कल होता क्या है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो बहरहाल बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अमन चोपड़े वाले केस में क्या हुआ, तो लोगों तक ये जानकारी जो है वो जरूर पहुंचेगी इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर। और अमन चोपड़ा अभी फिलहाल जिस तरह से उनकी हाजिरी को लेकर के नोटिस लग रहे हैं और अमन चोपड़ा का पता नहीं कहीं पर, इसको लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।